अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में नगर निगम एवं महिला बाल विकास की ओर से एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत हुनर हाट का आयोजन 3 दिवसीय किया जाएगा। इस आयोजन में विशेष रूप से महिला आत्मनिर्भरता को लेकर महिला समूहों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ महिलाएं आत्मनिर्भरताओं को लेकर संदेश दे रही हैं। महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में शासन द्वारा संचालित योजनाओं को संवाद के जरिए बेहतर संदेश दिए जा रहे हैं। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले से समाज की शानदार छवि गढ़ने में महिलाओं का एक अपना मुकाम है। महिला बाल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके बारे में देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई कार्यक्रम हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हुनर हाट है। ये जो हाट या स्टॉल लगाया गया है, ये महिला उद्यमियों के द्वारा लगाया गया है। इसमें निजी महिला उद्यमी भी हैं, आजीविका मिशन की भी महिलाएँ हैं, शहरी आजीविका मिशन की भी महिलाएँ हैं, और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सवेरे 8 बजे से सेफ सिटी मैराथन रहा है, कल भी तमाम सारे प्रोग्राम चलेंगे, परसों भी तमाम सारे प्रोग्राम चलने वाले हैं। तो महिला सुरक्षा, बेसिकली महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो ये हुनर हाट, ये जो जितनी बस महिलाएँ लोग महिलाओं द्वारा ये सारे सामान रखे गए हैं, पे इन्होंने खुद बनाए हैं अपने से? देखिए, कुछ ऐसे सामान हैं जो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जो जिसको ये बेचते हैं, तो यहाँ खरीदने बेचने का भी प्रोग्राम है। आप ये कार्यक्रम आयोजन करने से लोगों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की बराबर की भागीदारी है पुरुषों की तुलना में, एक समानता का संदेश है। अपना नाम वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।